नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम बनकर लगभग तैयार हो गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल के मध्य तक ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम आखिर बन कहां रहा है, तो हम आपको बता दें कि लखीसराय जिले के बालगुदुर में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये म्यूजियम 1.5 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है। राज्य सरकार इसके निर्माण पर 22.33 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। म्यूजियम का भवन 3 मंजिला है। इसकी डिजाइन बेहद आकर्षित करने वाली है। यहाँ सैलानियों को कई सारी सुविधाएं मिल सकेंगी, जिसके तहत सैलानी यहाँ पर लेजर लाइट शो का आनंद ले सकेंगे। इस म्यूजियम के निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2020 के अगस्त महीने में ही कर दिया था, जिसके बाद से ही इसके निर्माण का काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य एजेंसी की माने तो इस म्यूजियम में 811 ऑडिटोरियम हॉल, 2 फ्लोर का एग्जीबिशन हॉल, 150 सीट वाला थिएटर, लेजर शो कैंपस में लैंडस्केपिंग, ओपन थिएटर और 40 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि बिहार के बनने वाले इस दूसरे सबसे बड़े म्यूजियम में पुरातात्विक अवशेषों और खासतौर पर लखीसराय से मिले बुद्ध के अवशेषों को रखा जाएगा। वर्तमान समय में बिहार के सबसे बड़े म्यूजियम की बात करें तो राजधानी पटना के बिहार म्यूजियम को AIA जापान अवार्ड मिल चुका है, जो कि इस म्यूजियम को उसकी डिजाइन के लिए दिया गया है। 3 साल पहले जापान के डिप्टी काउंसलेट जनरल के नाकामुरा बिहार म्यूजियम घूमने आए थे। उन्होंने तब कहा था कि यह म्यूजियम काफी समृद्ध है, बौद्ध धर्म से जुड़ी कई चीजें यहाँ है, जिसमें दुनिया भर की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग का डिजाइन देखा जा सकता है। हालांकि बिहार म्यूजियम को यह प्राइस आसानी से नहीं मिला, बल्कि इस रेस में बिहार म्यूजियम के अलावा 2 दर्जन बेस्ट बिल्डिंग चुने गए थे, जिसके बाद ही बिहार म्यूजियम ने यह उपलब्धि हासिल की है, जिसको लेकर युवा संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव वंदना प्रेसी ने भी खुशी जाहिर की थी, जिसके बाद सभी लोगों से अपील की थी कि आकर वो बिहार म्यूजियम जरूर घूमे। इस अवार्ड से पहले बिहार म्यूजियम को ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट अवार्ड मिल चुका है। गृह का राष्ट्रीय अवार्ड बिहार म्यूजियम की बिल्डिंग को मिला था। म्यूजियम को 5-स्टार रेटिंग भी मिली थी। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में गृह काउंसलिंग में यह अवार्ड दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित काउंसलिंग देश भर की ग्रीन बिल्डिंग की स्वदेशी पेंटिंग करती है और उसे रेटिंग देती है। इसी में बिहार म्यूजियम को 5-स्टार रेटिंग मिली है। वहीं इसी बीच बिहार में दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम बनकर तैयार हो रहा है। यहां पर आने वाले समय में सैलानियों को कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, इस म्यूजियम के बन जाने से बिहार को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने का सपना भी बिहार सरकार का पूरा होगा, क्योंकि बीते लंबे समय से ऐसा देखा गया है कि पर्यटन के लिहाज से बिहार को विकसित करने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में एक और सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।